दोस्तों भारत में हर शहर में कचौरी का एक अलग स्वाद होता है, पर आज हमारी टीम जायके की खोज में पहुंच चुकी है उदयपुर। उदयपुर में हम लोग आए हैं प्रतापगढ़ चाट वालों के पास, और इनका जो स्वाद है ना वो पूरे इंडिया में एक डिफरेंट स्वाद के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको कचौरी के साथ मिलेगी जादू की जप्पी। जादू की जप्पी मतलब यहाँ का हींग और जीरे का पानी। पिछले 40 सालों से इस दुकान ने अपने स्वाद को मेंटेन किया हुआ है। इनके हींग और जीरे के पानी की इतनी दीवानगी है कि लोग एक एक लीटर पी जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे इन्होंने कैसे अपना स्वाद और क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, और यदि आप उदयपुर में खाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। बहुत शानदार, आनंद से भी ज्यादा आता है। बड़ी बड़ी दुकान है उनको भी फेल करता है। अच्छा जी, हींग का पानी है क्या बात है। बिल्कुल अंदर लाइन है सब क्लियर, मजेदार पानी आप भी पियो। बहुत अच्छी लग रही है सर। वैसे तो मैं बैंगलोर रहता हूँ, पर जब भी आता हूँ, यस सर, जब भी आता हूँ तो बगैर खाए नहीं जाता हूँ। अरे क्या बात है। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? सर मैं पिछले 10 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, 2009 से मैं आज तक यहाँ आ रहे हैं। एक बार जीत पे टेस्ट सेट हुआ, आज तक ऐसी है कि कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं। और ये फिटनेस इसी का यही राज है क्या? फिटनेस का यही राज। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, एकदम बढ़िया। फर्स्ट क्लास। नाम क्या आपका? विनीत अग्रवाल। क्या बात है जी। तो सर ये बताइए कि ये जो आप समोसा कचौड़ी बेच रहे हैं और ये हींग का पानी है, और ये कब से आप कर रहे हो सब चीजें? सर ये मेरे दादाजी की देन है, मैं तीसरी पीढ़ी संभाल रहा हूँ। अच्छा जी। 1981 से हम ये बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा जी। 40 साल हो गए उदयपुर में नाश्ता बेचते बेचते हैं। और 40 साल से आप बेच रहे हैं? क्या बात है जी। मतलब दादाजी के बाद पापा जी ने ज्वाइन करा, फिर मैंने करा, ये तीसरी पीढ़ी हो गई हमारी। क्या बात है। सर हम यहाँ पे मीठी चटनी और दही के साथ सर्व करते हैं। हमारी स्पेशल ये होती है कि कचौड़ी के अंदर हींग का फ्लेवर होता है। अच्छा जी। जो हमारे गांव की प्रसिद्ध होती है, कि हमारे मशहूर है। सर हमारी कभी भी कचौड़ी में आपको ऑयल नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये रहेगा। भाई लोगों की कचौड़ी में क्या पेपर से दबाओ ऑयल निकल जाता है, हमारे बिल्कुल ऑयल नहीं मिलेगा। क्या बात है। और लॉट चलता था इसमें, ये सर स्वीट डलता है मीठा। अच्छा जी, मीठी चटनी आती है, ये किससे बनती है? इडली और गुड़ का ये मिक्स होता है, उसके ऊपर से फिर हम ये दही डालते हैं इसमें। अरे भाई साहब, ये आ गया दही। दही अलग से कॉम्बिनेशन है। हाँ, हमारे यहाँ पे दही चटनी का ज्यादा ट्रेंड है। क्या बात है जी। और उसके ऊपर से हल्का सा ये मसाला डाल के ये मिर्ची आएगी ऊपर से। हाँ, स्वाद के लिए। और सर ये होता है जादू। ओ भाई, ये होता है हींग का पानी। ओ भाई साहब, ये जादू की जप्पी है। ये जादू की जप्पी है ये। इसको हींग का डालने के बाद आप जितना भी खा लो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, जो हम जो इनकी जो है मीठी चटनी और दही की जो है कचौड़ी है हींग के जो है तड़के के साथ में इसका जायका ले लेते हैं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि भाई दही और मीठी चटनी के साथ जो है मेरे को इस कचौड़ी का टेस्ट ना भा जाएगा। और ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए कि अगर उदयपुर में आप जो बेस्ट फूड सर्च कर रहे हैं तो भाई आप यहाँ पे आ सकते हैं। और उदयपुर जैसी टूरिस्ट प्लेस में आपको इतना बेस्ट फूड मिलेगा, मैंने ऐसा अज्यूम नहीं किया था, लेकिन वाकई बहुत शानदार है। सर ये बताइए कि ऐसा क्या डाल रहे हो जो उदयपुर के लोग एकदम खींचे चले आ रहे हैं? सर उदयपुर का प्यार है, उनका सम्मान है। अच्छा, उदयपुर से जुड़े हुए, उदयपुर में पैदा हुए, उदयपुर से ही है बस। क्या सब उदयपुर वासियों की मेहरबानी है। तो भाई इस कचौड़ी को खाने के बाद जो है अब एक आइटम ऐसा है एक जो इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा, और आपने पहले जितनी भी कचौड़ी खाई होंगी उनको भी डाइजेस्ट कर देगा। सर ये हमारे हींग जीरे का प्रसिद्ध पानी है। अच्छा जी। कचौड़ी खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद ये जरूर आप पिए। ये आप जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, और एकदम ये देखिए जायकेदार पानी है, मजेदार। और ये देखो भाई क्या मिला दिया यार, एकदम यूनिक है। ऐसा आइटम मैंने पहले कभी नहीं खाया। अग्रवाल जी एक बार जो एड्रेस है यहाँ का बता दीजिए। सर ये है अपने सेंट्रल जेल के बाहर नियर बस स्टैंड। क्या बात है। सेंट्रल जेल के बाहर। टाइमिंग क्या रहती है अपनी? सर मॉर्निंग 8 बजे से शाम को 6 बजे तक।